तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के क्रांतिकारी नारे लगाने वाले भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज की चाह जगा दी। और इनकी लीडरशिप स्किल्स इतनी हैरान कर देने वाली थी कि इनके चाहने वाले न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनका स्वतंत्रता पाने का रास्ता गांधी जी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि बोस का मानना था कि आजादी जैसी बड़ी उपलब्धि को अहिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं पाया जा सकता, इसके लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेंगी और बहुत से बलिदान भी देने पड़ेंगे। और यही वजह है कि अगर आज भी आजादी की बात होती है तो नेताजी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे एक समय पर काफी कमजोर इंडियन नेशनल आर्मी को नेताजी ने अपने नेतृत्व में काफी मजबूत बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 से, जब ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था जो कि पेशे से एक वकील थे, और उनकी माँ का नाम प्रभावती बोस। और इसके अलावा उनकी फैमिली में उनके 13 और भी भाई और बहन मौजूद थे। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे और इसीलिए स्कूल के समय से ही वह सभी टीचर्स के फेवरेट थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और फिर साल 1913 में मैट्रिक में सफल होने के बाद से उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफी प्रभावित थे, और इन्हीं महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर बोस को यह लगने लगा कि उनके पढ़ाई लिखाई से ज्यादा देश के हित में काम करना जरूरी है। और उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था जो कि भारतीयों पर जुल्म ढाने में थोड़े भी पीछे नहीं रहते थे, और अपने आसपास हो रहे जुल्मों को देखकर सुभाष चंद्र बोस के मन में भी स्वतंत्रता की चिंगारी ने तेजी पकड़ ली। और इनकी देशभक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब यह अपने एक प्रोफेसर के द्वारा भारतीय लोगों के खिलाफ बोले जाने पर उनसे लड़ गए थे। और फिर कुछ साल के बाद 1918 में बोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि अब सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के दबाव में भारत को छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वह कोई अच्छी सी जॉब करें। और फिर कैम्ब्रिज के एक कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में उन्होंने 4th रैंक हासिल की, लेकिन इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी करना मंजूर नहीं था। और फिर भारतीय लोगों के दिलों में आजादी की आशा जगाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया जिसका नाम था स्वराज, और इस समय उनके मार्गदर्शक बने उस समय के एक महान नेता चितरंजन दास, जो कि देशभक्ति से भरे हुए भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में बोस को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और जेल में ही उन्हें 6 रोग यानी कि टीबी की बीमारी हो गई। हालांकि 1927 में एक बार जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर रख दिया गया और वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी के जंग में कूद पड़े। और फिर 1930 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, जहां उन्होंने कुछ नेताओं से मिलकर पार्टी को और भी अच्छे से चलाने का गुण सीखा, और इसी दौरान उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल को भी पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश किए गए इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। और फिर भारत वापस आने पर बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाने की सोच रखने वाले गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की हिंसा से भरी नीतियों को पसंद नहीं करते थे, और यह बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगी तब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना ही ज्यादा सही समझा। और फिर इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लिए समर्थन की मांग की, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगे। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की आर्मी भी उन्हीं के समर्थन में युद्ध लड़े, लेकिन नेताजी ने इस फैसले का जमकर विरोध किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए भारतीय जवान अपनी जान खतरे में डालें। हालांकि यहां पर एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल जाकर भी वह चुप नहीं बैठे और वहीं पर भूख हड़ताल की, और इसीलिए उन्हें 7वें दिन ही जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद बोस को उन्हीं के घर में CID के देखरेख में नजर बंद कर दिया गया था,
लेकिन इसके बावजूद 16 जनवरी 1941 को पठान का हुलिया बनाकर वह सीआईडी को भी चकमा देने में कामयाब हो गए और फिर भारत की आज़ादी के लिए वह ब्रिटिश के दुश्मन देश जर्मनी के लिए रवाना हो गए और फिर यहाँ पर हिटलर ने उनसे भारत को समर्थन देने का वादा किया। लेकिन जब विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होने लगी तब एक सबमरीन से सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए और फिर उनके मजबूत इरादों को देखते हुए उस समय जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत के सहयोग करने की बात कही और फिर जापान के साथ मिलकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की जिसे कि लोग INA या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानते थे और फिर साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे भारतीयों के सहयोग से INA की सेना में मजबूती आई और इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे भड़कीले मगर उत्साहित करने वाले क्रांतिकारी नारे लगाकर भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने की इच्छा और भी बढ़ा दी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की वजह से भारत को आर्थिक मदद और हथियार मिलने बंद हो गए और मजबूरन नेताजी को भी इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा और फिर इसी तरह से देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सिर्फ 48 साल की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी लगाई हुई स्वतंत्रता की चिंगारी ने भारत को कुछ साल के बाद ही यानी कि 1947 में आज़ादी दिला दी। तो दोस्तों यह थी कहानी भारत के वीर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।